हम आपको सिवान से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जो कोटा से सिवान छात्र आ रहे हैं स्पेशल ट्रेनों के द्वारा, उनके स्वागत के लिए सिवान रेलवे जंक्शन पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यहां पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पूरे स्टेशन परिसर को फूल और बैलून से सजावट की गई है। आपको बता दें कि जो भी छात्र यहाँ उतरेंगे उनकी जाँच होगी, उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग करके बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद उनको बसों के द्वारा उनके घर या उनके जिला भेजा जाएगा। हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं ट्रेन आने से पहले की, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा स्टेशन परिसर दुल्हन की तरह सज धज कर छात्रों के लिए तैयार है। आप यहां देख सकते हैं कि कैसे यहां पे सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी सभी अपने ड्यूटी पर सुबह से तैनात हैं। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो भी छात्र आएंगे यहाँ पे, ये जो टेबल लगाई गई है यहाँ पे मेडिकल टीम बैठी हुई है, उनकी जांच होगी, उसके बाद जो एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा होम क्वारंटाइन के लिए उसका फॉर्मेलिटी पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही उनको स्टेशन परिसर से बाहर जाने की इजाज़त होगी। उसके बाद जो बसें स्टेशन परिसर के बाहर लगाई गई है उसमें उनको बैठाया जाएगा, उसके बाद उनके जिला और उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सिवान रेलवे स्टेशन से सबसे पहले, और आप देख सकते हैं कि कैसे उन छात्रों के स्वागत के लिए यहाँ पे जो ड्यूटी पर तैनात हैं महिलाएं, उनके स्वागत के लिए हाथों में फूल लेकर के खड़ी हैं। तैयारियाँ जोरों पर है यहाँ पर। बस कुछ ही देर में सिवान रेलवे स्टेशन पर जो कोटा से छात्रों को लेकर ट्रेन आ रही है वह पहुँचने वाली है। उन्हीं के स्वागत को लेकर के जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन के द्वारा कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी, जिसको आज पूरा कर लिया गया और कोटा से 1300 या 1400 के लमसम के बीच में छात्र आएंगे यहां पर, और उनकी सारी यहां पर व्यवस्था कर ली गई है प्रशासन के द्वारा। और यहां पर सिवान के एसडीएम और एसडीपीओ जितेंद्र पांडे के द्वारा स्टेशन परिसर का सुरक्षा व्यवस्था की जांच जायजा ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जायजा लिया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का धजिया नहीं उड़े। बस कुछ ही देर में सिवान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुँचने वाली है और उस ट्रेन में लगभग 1300 से 1400 के बीच छात्र शामिल हैं, जो कि सिवान रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और उनके सुरक्षा को लेकर के पूरा यहां पे व्यवस्था की गई है। स्टेशन परिसर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप तस्वीरों में देखिए, यही जो बस लगाई गई है स्टेशन परिसर के बाहर, इसी बसों के द्वारा गोपालगंज और सिवान के अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा। पहले तो जो भी छात्र स्टेशन पर उतरेंगे उनके स्क्रीनिंग कराई जाएगी, उसके बाद उनकी जो शपथ पत्र होंगे उसको भरवाया जाएगा होम क्वारंटाइन के लिए, उसके बाद ही उनको बाहर जाने की इजाज़त होगी। जो बाहर स्टेशन परिसर के बाहर बसें लगाई गई है उन्हीं बसों में उनको जाने की इजाज़त होगी, और उसी बसों से के द्वारा उनके जिला और उनके प्रखंड, उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। आप ये तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ पर उन छात्रों के स्वागत के लिए जो ड्यूटी पर तैनात महिलाएं हैं वह हाथों में फूल लेकर के खड़ी हैं, कि जैसे ही छात्र आएंगे उनके स्वागत गर्म जोशी के साथ किया जाएगा, उनके स्वागत की पूरे व्यवस्था कर ली गई है।